रेस्टोरेंट आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हम मेनली फोर्स और प्रेशर के बारे में भी बात करेंगे। फोर्स को इससे जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनमें भी डिस्कस किया जा चुका है कि फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी से मोशन में लाएगी और मोशन से जो है वो स्टेशनरी कंडीशन में लेके आएगी। या हम यूँ भी कह सकते हैं फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में लेके आती है, या एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो रेस्ट से उसको मोशन में भी लेके आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम फोर्स लगाएं और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता हुआ जा रहा है वो रेस्ट पे हो जाए। और इसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा हुआ है और हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि वो ज़रूर मोशन में जाएगा, लेकिन फोर्स जो है वो कोशिश करेगी कि उसकी जो कंडीशन है उसको चेंज करे। ये तो होगी हमारे पास फोर्स। हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस हैं, एक होती है बैलेंस्ड फोर्स और एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और जो अनबैलेंस्ड फोर्स है ये बेसिकली दो फोर्सेस होती हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक टेबल है और टेबल के ऊपर जो है वो बुक्स पड़ी हुई हैं। अब बुक्स का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और वेट जो है वो एक फोर्स है कि एक ज़मीन जो है वो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जितनी फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगी वो उसका वेट है। तो यहाँ पर टेबल पर पड़ी हुई जो बुक्स हैं इनका वेट जो है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और इसी के सेम एक और फोर्स आएगी जो कि अपवर्ड एक्ट करेगी। अब ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, जितनी फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है उतनी ये फोर्स जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है। इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है टग ऑफ वार की, ये दो टीम्स हैं, एक टीम ए है और एक टीम बी है। ये दोनों टीम्स इस रस्सी को अपनी तरफ खींच रही है, टीम ए अपनी तरफ खींच रही है और टीम बी अपनी तरफ खींच रही है। अगर दोनों टीम्स की जो फोर्स है वो इक्वल होगी लेकिन इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है तो दोनों की फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और यह जो रस्सी है ये अपनी ही जगह पर ठहरी रहेगी। लेकिन अगर ये टीम ए है और ये टीम क्या है बी है, अगर ए टीम बी टीम से ज़्यादा फोर्स लगाए तो अब दो फोर्सेस आ गई हैं लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो इट मींस कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकती। ए की फोर्स ज़्यादा है और बी की फोर्स क्या है कम है, तो दोनों फोर्सेस जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो अनबैलेंस्ड फोर्स बनेंगी, या जो नेट फोर्स आएगी मीन्स कि ये 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और ये 20 की लगा रहे हैं तो 10 और 20 एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते, तो नेट फोर्स जो होगी उससे ये जो रस्सी है ये ए की तरफ या बी की तरफ मूव करेगी। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तब रहेगा जब नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो, जैसे कि यहाँ पर जितनी फोर्स अपवर्ड है उतनी ही फोर्स डाउनवर्ड है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। लेकिन इस कंडीशन में ए और बी जो फोर्स लगा रहे हैं ये एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं है, ए की फोर्स ज़्यादा है बी की फोर्स कम है, तो ये जो रस्सी है ये ए की तरफ जो है वो मूव करेगी। तो यहाँ से अनबैलेंस या नेट फोर्स है वो किसी भी अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगी, एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगी तो वो वाला जो स्टेशनरी है या रेस्ट पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है वो मोशन स्टार्ट कर देगा। इसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ जा रहा है और आप उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगते ही या तो उसकी मोशन जो है वो रुक जाएगी या उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो ये अनबैलेंस में और बैलेंस फोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बैलेंस कब होगी, जब दो फोर्सेस हो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो, जैसे कि इसका वेट जितना इसका वेट नीचे है उतना ही एक रिएक्शन की फोर्स अपवर्ड है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है। लेकिन अगर इस कंडीशन में देखें तो यहाँ पर जो दोनों फोर्सेज हैं वो इक्वल नहीं है, ये ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं ये कम फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा, और अगर ये ज़्यादा फोर्स लगाएं और ए वाले कम फोर्स लगाएं तो ये जो रस्सी है ये इस तरफ मूव करेगी। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में लाना है या रेस्ट से मोशन में लाना है तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगी। अगर हम बैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे या दो फोर्सेज लगाएंगे और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी तो ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पर रुका रहेगा।